नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे खिलौना और आन मिलो सजना फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं खिलौना फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। खिलौना सन 1970 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में संजीव कुमार, मुमताज, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विपिन गुप्ता, दुर्गा खोटे, मल्लिका, जयश्री, जगदीप, जानकी दास और सत्येंद्र कपूर नजर आए थे। इस फिल्म को चंदर वोहरा ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था एलवी प्रसाद ने और इस फिल्म की कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी। इस फिल्म को 8 अप्रैल सन 1970 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 54 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 1,75,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 45,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 5 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3,50,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे। इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने मोहम्मद रफी ने गाए थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए मुमताज को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट मूवी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, मुमताज से पहले लीड एक्ट्रेस का रोल वहीदा रहमान को ऑफर हुआ था पर उन्होंने मना कर दिया था। नंबर 2, इस फिल्म के बाद से मुमताज और जितेंद्र के बीच में प्यार हो गया था। अब जानते हैं आन मिलो सजना फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आन मिलो सजना सन 1970 में आई एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, निरूपा रॉय, राजेंद्र नाथ, जूनियर महमूद, शुभा, तरुण बोस और सुजीत कुमार नजर आए थे। इस फिल्म को मुकुल दत्त ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था जगदीश कुमार ने और इस फिल्म की कहानी सचिन भौमिक और एहसान रिजवी ने लिखी थी। इस फिल्म को 24 दिसंबर सन 1970 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 62 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 2,50,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 51,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 7 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 4,10,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 3री हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे। उसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, आशा पारेख ने बताया था कि अच्छा तो हम चलते वाले गाने की शूटिंग को दोबारा किया गया था क्योंकि इस गाने में सूरज ढलने वाले सीन को शूट किया गया था। नंबर 2, इस फिल्म के ट्रेलर को 1970 में रिलीज हुई हर फिल्मों के साथ में दिखाया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।